गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने शराब व्यवसायियों की फर्जी हैसियत बनाने वाले तहसीलों के कर्मचारियों और अधिकारियों पर जांच कर कठोर कार्रवाई के निर्देश जिलाधिकारी को दिए हैं। जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि आबकारी में जो बड़े बकायेदार हैं उनसे वसूली नहीं हो पा रही है, तो उसके कारण उन ठेकेदारों ने फर्जी हैसियत बनाकर शराब की दुकानों का आवंटन लाइसेंस ले लिया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द ही फर्जी हैसियत जारी करने वाली तहसीलों की जाँच कर उन सभी दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी से मुकेश बच्छेती की रिपोर्ट। जिन व्यक्तियों ने आबकारी के अंतर्गत जो है अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनाते हुए ठेके में पार्टिसिपेट किया था, जब उनका रिकवरी जारी किया गया, रिकवरी के पश्चात उनका वसूली जब कार्रवाई करने का प्रयास किया गया, तो उसमें उनकी हैसियत के आधार पर उनकी संपत्ति नहीं पाई गई है। इसमें कहीं ना कहीं संबंधित तहसीलों के द्वारा उनका बिना जाँच किए हैसियत जारी किया गया। ऐसा ये भी वर्ष 17-18 से अभी तक जो हमारे पास में है कुल 8 अनुज्ञापी ऐसे हैं जिनके खिलाफ हमारी आरसी जारी हुई है। टोटल आरसी जो हमारी जारी हुई थी 12,30,72,070 रुपए की जारी हुई थी। इसमें से जो अभी तक वसूल हो पाया है वो 48,86,956 रुपये वसूल हो पाया है।